एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी, यानी कि यहाँ पे सोरिम के पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वह गैंगवो के पीछे जाए या फिर वह अपने कॉन्सर्ट को जारी रखे। लेकिन यहाँ पे सोरिम फर्स्ट ऑप्शन को चुनती है और वह गैंगवो के पीछे जाती है, जहाँ पे गैंगवो उससे पे नहीं पहचान पाता है। तब सोरिम उसे याद दिलाती है कि उस दिन नदी के किनारे जिस लड़के के मोबाइल में उसने धुन को रिकॉर्ड किया था वो वही है। अब यहाँ पे गैंगवो को याद चला आता है और वह पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब सोरिम उससे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि जब से उसने गैंगवो को देखा है तब से वह उसे नहीं भुला पाई है और वह उसे उन दिनों से ढूंढ रही है। और साथ में वो उसे उससे ढूंढ के बारे में भी बताती है कि उसने उसके ऊपर एक गाना को भी लिख लिया है। अब यहाँ पे गैंगवो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि दरअसल यह धुन सिर्फ और सिर्फ उसकी टीम यानी कि INX बॉय बैंड के लिए था। अगर यह कहीं और लीक हो जाए तो यह बहुत बड़ी बैड न्यूज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सोरिम उसे आगे बताती है कि उसने सोचा था कि वह इस धुन को इंटरनेट पे रख दी। अब यहाँ पे गैंगवो और भी हैरान हो जाता है और वो सोरिम से उसका मोबाइल लेने लगता है। लेकिन सोरिम उससे पूछती है कि वो उसका मोबाइल क्यों ले रहा है। अब यहाँ पे गैंगवो तो उसे डायरेक्ट नहीं बता सकता कि वह INX बॉय बैंड के लिए काम करता है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो भी सोरिम को लाइक करने लगा है। अब यहाँ पे सोरिम भी काफी खुश हो जाती है, बट गैंगवो सोरिम से अपना म्यूजिक लेने के लिए वो उसका मोबाइल नंबर लेता है ताकि वो उसे बातें कर सके। अब सोरिम भी उसे खुशी खुशी दे देती है, बट वो बहुत ज्यादा जल्दी में रही इसलिए वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो इसके बारे में जाके ली यून और जिन हे को बताती है, जहाँ पे ली यून तो काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है क्योंकि वह सोरिम को कहीं ना कहीं लाइक करता था। लेकिन सोरिम काफी खुश होकर अपने घर पे जाती है और वो वहाँ पे खुशी के मारे तो डांसिंग करने लगती है। लेकिन वहीं पे हम लोग जेसुन को देखते हैं जो कि अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, बट वो बार बार हार मान रही थी। और मिस्टर चोई यह देखने के बाद उसके पास जाते हैं और उसे काफी इमोशनल तरीके से समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों काफी क्लोज थे तो अचानक से मिस्टर चोई धीरे धीरे आगे बढ़कर जेसुन को किस कर देते हैं और यहाँ पे एक न्यू लव स्टोरी चालू हो जाता है। अब इसका रिएक्शन क्या होगा जब गैंगवो को पता चलेगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब सीन नेक्स्ट पे जाता है जहाँ पे सोरिम गैंगवो को मिलने के लिए एक मॉल में बुलाती है क्योंकि वह उस दिन उससे ज्यादा बातें नहीं कर सकी थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सोरिम के पीछे पीछे छुप कर ली यून और जिन हो भी चले आते हैं। अब यहाँ पे जब सोरिम गैंगवो के पास जाती है तभी सोरिम की नजर वहाँ पे ली यून पे पड़ती है और उसे लगता है कि वह यहाँ पर पूरा मैटर बिगाड़ देगा, इसलिए वह गैंगवो को अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पे गैंगवो भी कुछ नहीं समझ पाता कि सोरिम अचानक से उसे कहाँ पे लेके जा रही है। अब यहाँ पे सोरिम गैंगवो को लिफ्ट से नीचे लेके आती है और उन दोनों से पीछा छुड़ाने के बाद उसे बताती है कि गैंगवो के म्यूजिक को सोरिम ने लिरिक्स पहले से लिख के रखे है और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लिरिक्स बने हैं। लेकिन यहाँ पे गैंगवो सोरिम से झूठ बोलता है कि वह इस म्यूजिक पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे क्योंकि यह पूरी तरह से कचरा है और वह इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। लेकिन सोरिम उससे कहती है कि वह इस गाने को कचरा न कहे क्योंकि उसने काफी मेहनत से लिखी थी और उसका धुन भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और वह गैंगवो को कहती है कि अगली बार से वह इस गाने को कचरा ना कहे। अब यहाँ पे गैंगवो तो कुछ भी नहीं समझ पाता है, वो पूरी से कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोरिम काफी उदास होकर अपने घर पे चली आती है और वो अपने दादी से झूठ बोलकर पूछती है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि अपने ही हाथ से बना हुए खाना को काफी बुरा कहता है और वो किसी और को नहीं खिलाता। तब यहाँ पे उसकी दादी उसे बताती है कि जरूर उस इंसान के अंदर या तो कॉन्फिडेंस की कमी होगी या फिर कोई भी उसको सहारा नहीं देता होगा। अब यहाँ पे सोरिम का उसका जवाब मिल चुका था और उसे लगता है कि गैंगवो के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर कोई है जो कि उसके सॉन्ग को आगे नहीं भेजना चाहता है। जिसके बाद सोरिम फिर से गैंगवो को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि वह उससे मिलना चाहती है। तब गैंगवो उसे अपने ही बिल्डिंग के नीचे वाले ग्राउंड में आने के लिए कहता है ताकि सोरिम को ये नहीं पता चल सके कि वह INX ग्रुप के लिए काम करता है। अब नेक्स्ट सोरिम उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जब गैंगवो बिल्डिंग से नीचे निकलता है तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर सीनियर चेयरमैन से हो जाती है, जिसके बाद वह उनसे बातें करने में बिजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये मिस चेयरमैन भी उससे कहते हैं कि वह INX वाले ग्रुप के लिए काम सही से क्यों नहीं करता है और वो उसके गानों पे शक क्यों करता है।
अब यहाँ पे तो गैंग वो और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो तो पहले से अच्छे से काम कर रहा है, बस INX बॉय बैंड है उसके गाने को बिगाड़ देता है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ये यहाँ पे काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वह लिरिक्स रूम में चला जाता है और वहाँ पे बैठ के म्यूजिक सुनता है। वहीं पे सोरी बिल्डिंग के नीचे वाले ग्राउंड में मिलने चली आती है और वो काफी समय इंतजार करती है। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर वहाँ पर एक आदमी पे पड़ती है जो की गाना गा रहा था और पैसे कमा रहा था, इसलिए सोरिम वहाँ पे जाती है और वो भी गाना गाने लगती है। तब लोगों को सोरिम का गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब सोरिम उसका वहाँ पे बहुत समय इंतजार करती है और वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे ठंड लग रहा था। अब यहाँ पे जब गैंगबो को याद आता है कि सोरिम वो उसका इंतजार कर रही है तो उसे कॉल करता है और गैंग वो उसे बताता है कि वह आज नहीं आ सकता क्योंकि उसे काफी इम्पोर्टेंट काम है। तब सोरिंग भी उसे अपना काम सही से करने के लिए कहती है और उसे कॉल पर ही बाय कह के चली जाती है। अब यहाँ पे सोरिंग तो काफी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन घर पे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब नेक्स्ट डे सोरिन फिर से स्कूल जाती है और स्कूल खत्म करने के बाद वह काफी परेशान होती है, वो भी कैंगबो को लेकर। तभी वहाँ पे ली उन और जीन हो चले आते हैं। तब सोरी मुझसे बताते हैं कि उसके पास एक गाना है और वो चाहती है कि वो उसको परफॉर्म करे। तब ली उन और जीन हो उसके साथ गाना गाने के लिए एक मॉल के हॉल में जाते हैं। अब वहाँ पे वे लोग हमेशा की तरह गाना गाते हैं, बट यहाँ पे ली उनको पता चल जाता है कि यह गाना सोरिम का नहीं है क्योंकि वह ऐसे गाना नहीं लिखती थी। और वो इसके बारे में सोरिम के ऊपर चिल्लाते हुए भी कहती है कि यह गाना किसका है और वह भी मतलब दूसरों का गाना क्यों यूज कर रही है। तब सोरिम भी उसे बता देती है कि यह कैंग वो का गाना है और वह उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब जब सोरिम वहाँ से जाती है तो जीन हो उसे समझाने के लिए आता है कि वह ली उनके बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे। लेकिन यहाँ पे जब सोरिम अपना मोबाइल चेक करती है तो यहाँ पर कैंग हो सोरिम को मैसेज करके बताया हुआ था कि वो उसे मिलने के लिए उसी बिल्डिंग के हॉल में आ रहा है। अब यहाँ पे सोरिम काफी परेशान हो जाती है, उसे कॉल करके बताती है कि वो यहाँ पे ना आए। दरअसल यहाँ पे अगर ली उन कैंग हो को देख लेता है तो वो काफी गुस्सा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है। ली उन कैंग हो को देख लेता है, उसके ऊपर जाकर चिल्लाने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे सोरिम से मिलने क्यों आया, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है और वो सोरिम को इतना फंसा क्यों रहा है। लेकिन तभी बीच में सोरिम चली आती है और वो लियोन को साइड करती है। लेकिन यहाँ पे लियोन अपना बोलना बंद नहीं करता और वो कैंगो को बताता है कि लियोन अभी एक हाई स्कूल गर्ल है और वो इसके पीछे ना आए। बट यहाँ पे सोरिम ली उनको चुप रहने के लिए कहती है और वो कैंगो को वहां से लेके चली जाती है। अब यहाँ पे कैंगो सोरिम से पूछता है कि आखिर वो लड़का कहना क्या चाहता था। तब यहाँ पे सोरिम उसे एक्सेप्ट करती हुई कहती है कि वह एक हाई स्कूल गर्ल स्टूडेंट है और वह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर परफॉर्मेंस नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइमर सिंगर है, यानी कि वह उसका सपना तो है बट वह एक हाई स्कूल अभी गर्ल है। तब यहाँ पे कैंगो काफी उदास हो जाता है और वो भी सोरिम को अपना बात को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ के सोरिम के पीछे उस गाने के लिए पड़ा हुआ है और वो सोरिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन सोरिम को यहाँ पे काफी दुख पहुँचता है और वो कैंगबो को कहती है कि वह उसके म्यूजिक को वापस लौटा देगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सोरिम घर पे जाती है और वो अपने लैपटॉप में से उस ऑडियो को अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेती है। लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास थी। वहीं पे कैंग वो अपने म्यूजिक के स्टूडियो पहुँचता है और वो वहाँ पे उसी म्यूजिक के ऊपर एक न्यू गाना को सिंगिंग करवाता है और वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। थोड़ी देर के बाद कैंग वो चीसुन से मिलने के लिए उसे घर पे पहुँचता है, लेकिन तभी उसके जो वहाँ पर मिस चोय और चीसुन से पढ़ते हैं जहाँ पे वे दोनों काफी क्लोज थे। अब यह टिकने के बाद कैंग वो गुस्सा हो जाता है और वो मिस्टर चोय के पास जाके चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पे चीसुन कैंगो को लेके अंदर चली जाती है और वो उसे वहाँ पे समझाती है कि उसने उसके म्यूजिक को लिखने का फैसला नहीं किया था तो वो मिस्टर चोय के साथ है। तब यहाँ पे कैंग वो चीसुन को समझाता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ काम में बिजी हो गया था, इसलिए उसने उस वक्त ऐसा कह दिया था कि वो सिंगिंग को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पे उसका कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन चीसुन उसका कोई भी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब बहुत समझाने के बाद कैंग वो भी वहाँ से काफी उदास होकर चला जाता है। अब जब कैंग वो जा रहा था तभी सोरिम उससे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर के बाद कैंग वो उसे मिलने के लिए नदी के किनारे पहुँचता है,
जहाँ पे सोरिम उसे एक लिफाफा देते हुए बताती है कि उसने इस लिफाफे के अंदर अपने म्यूजिक के साथ साथ अपने ऑडियो को भी स्पोर्ट करके रखा है और वो कैंगो को सुनने के लिए कहती है। अब यहाँ पे कैंगो तो पहले से ही गुस्सा था वो भी चेस उनको लेकर, और वो यहाँ पे सोरिम के ऊपर अपना गुस्सा झाड़ देता है और वो उसे कहता है कि आखिर वो किसी और के म्यूजिक के ऊपर अपना गाना कैसे गा सकती है, ये पूरी तरह से इलीगल है और वो किसी और के धुन पर गाना गा कर साबित क्या करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे सोरिम तो सिर्फ और सिर्फ कैंगो को सपोर्ट करने के लिए आई थी और बेचारी सोरिम काफी उदास हो जाती है और वो उसे वहाँ पे वो लिफाफा देकर चली जाती है। अब सोरिम यहाँ पे जाने के वक्त रोने लगती है और वो बहुत जोर जोर से रोती है। लेकिन वहीं पे कैंगो काफी परेशान होकर अपने घर पे पहुँचता है और वो वहाँ पर अपने फ्रेंड के दिए गए उसे म्यूजिक के ऑडियो को सुनने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे सोरिम के लिफाफे पे पड़ती है और वो सोचता है कि सबसे पहले वो सोरिम के ऑडियो को ही सुने और वो उसे सुनता भी है। अब यहाँ पे तो कैंगो को सोरिम की ऑडियो काफी ज्यादा पसंद चली आती है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।